Moi ji. Aap sabko mera namaskar. Ek mahatvapurna mudde par, jis par humne apna jawab aur bahut sabse zyada comprehensive jawab chunav aayog ko diya hai, us par charcha karne ke liye aaj aapke samne aaye hain. 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड के अपने एक भाषण में पहली बार रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल किया. यह चौंकाने वाली बात है और थोड़ी विस्मय वाली बात है कि चुनाव आयोग उसके बाद जागा और उन्होंने फ्रीबीज, रेवड़ी ऐसे शब्दों पर एक बहस करने के लिए राजनीतिक दलों से उनका जवाब मांगा. यह चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि इस देश के लोकतंत्र के प्रहरी जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करें, अपने अधिकार क्षेत्र में एक्ट करें, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की 16 जुलाई की रैली के भाषण के बाद जब चुनाव आयोग हरकत में आता है और उस प्रभाव में कुछ करता है तो थोड़े सवाल जरूर उठते हैं उनकी विश्वसनीयता पर, उनकी साख पर, उनकी प्रतिष्ठा पर. और मेरा अपना मानना है कि ये जो रेवड़ी का डिबेट है, जो ये रेवड़ी की चर्चा है, ये कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में जा रही है. हम एक लोकतंत्र में रहते हैं जहां पर जनमत सर्वोपरि है. रेवड़ी हो या शर्फी हो या गजक हो, जो भी हो, कुछ चीजों का फैसला एक लोकतंत्र में जनता पर छोड़ देना चाहिए, उनके मत पर छोड़ देना चाहिए, उनके विवेक पर छोड़ देना चाहिए. और जनता चुनाव के बाद आपका सम्मान करती है अगर वो आपकी बातें मानकर आपको जिता देती है, और आपको दंड देती है अगर हरा देती है. तो कुछ चीजें जनता के विवेक और मत पर छोड़ देनी चाहिए. उसमें दखलअंदाजी करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े करता है. रेवड़ी का डिबेट कहीं ना कहीं एक मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज का भी डिबेट है. आखिर रेवड़ी क्या है? इस देश में बेरोजगारी, कम आय और महंगाई से जूझते हुए लोगों के सस्टेनेंस के लिए भी अगर आप कुछ सहयोग करते हैं तो क्या वो रेवड़ी है? और अगर वो रेवड़ी है तो 10 लाख करोड़ के जब आप कर्जा माफी करते हैं अमीरों की, तो वो क्या है? वो अशर्फियां हैं कि वो रेवड़ी कही जाएगी? इस बात पर भी चर्चा हो जानी चाहिए. अगर गरीब के लिए कुछ सरकार करेगी, और इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, अगर गरीब के लिए कुछ सरकार करेगी तो उसको रेवड़ी कहा जाएगा, और जो अमीरों के लिए काम होगा उसको क्या कहा जाएगा? वो इंसेंटिव क्यों है? उसमें फिस्कल प्रूडेंस नहीं याद आती है? इसमें फिस्कल प्रूडेंस याद आती है. मैं क्रमवार तरीके से कुछ बातें आपके सामने रख देना चाहती हूं, और वो बातें रखनी जरूरी है. सबसे पहले तो अधिकार क्षेत्र का सवाल आता है, ज्यूरिसडिक्शन. चुनाव आयोग ने हमसे जवाब मांगा था और हमने अपने जवाब में यह विस्तृत उल्लेख किया है कि आर्टिकल 324 जो संविधान का है, उसके तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, उनका कार्य क्षेत्र है, उनका कर्तव्य है. और इसीलिए चुनाव आयोग ने समझ दिखाते हुए राजनीति में दखलअंदाजी करने से परहेज किया है पास्ट में. चैप्टर 19A ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860 और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कमीशन को यह निर्धारित करने में मदद जरूर करता है कि क्या वैधानिक है और क्या असंवैधानिक है, क्या लीगल है और क्या इलीगल है. और इसी के चलते सांप्रदायिक लफाजी, बयानबाजी, नफरती भाषण और अत्यधिक प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस का समाधान करना आयोग का काम है. लेकिन क्या आयोग का काम यह है
कि पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के सामने क्या वादे करती हैं और लोग उन वादों से कितना प्रभावित होकर उनको वोट करते हैं, कितना विश्वास जताते हैं। हमारा अपना मानना है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो पहली बात हो गई अधिकार क्षेत्र की। दूसरी बात हो गई एनफोर्सिबिलिटी की, कि जो कानून बने हुए हैं उनका कितना पालन हो रहा है, उनकी कितनी देखरेख हो रही है, उनका कितना कार्यवान हो रहा है। हमें यह कहने में बिल्कुल परहेज नहीं है कि हमारा कानून कहता है कि सैन्य बलों का इस्तेमाल चुनाव में कोई राजनीतिक दल नहीं करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तमामों पोस्टरों के तहत, भाषणों के तहत, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह जी ने सैन्य बलों का प्रयोग किया। हम इस पर आयोग के पास गए और आयोग ने उनको क्लीन चिट दी। आयोग के सामने बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं और हमारा मानना है कि पहले उन ज्वलंत मुद्दों का निर्वाहन कर लीजिए, बाकी बातें तो बाद में करिएगा। चाहे इंडियन रेलवेज का दुरुपयोग करना हो प्रचार के लिए, ऑफिशियल एजेंट्स का बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करना हो, प्रचार प्रसार करना हो निर्धारित समय के बाहर, ये सारे काम राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं। इसकी सबकी सबमिशन हमने इलेक्शन कमीशन को बार बार दी है और लगातार उनको क्लीन चिट मिल जाती है। तो हमारा अपना मानना है कि सबसे पहले तो जो कानून बने हुए हैं उनको क्रियान्वित किया जाए, बाकी अधिकार क्षेत्र तो बाद में बढ़ाने की बात की जाए। अब यहां पर एक और बात आती है और यह बात है डेफिनेशन की, जो मैंने पहले भी कहा कि चुनाव आयोग कैसे डिसाइड करेगा फ्रीबी क्या है। एक गरीब मजदूर को जिसकी आय चली गई है, एक गरीब किसान को जिसको उपज का पैसा नहीं मिलता है, दिहाड़ी करने वाले जो आत्महत्या कर रहे हैं, अगर उनके परिवारों को थोड़ी सी सहायता सरकार देती है, जो इसका मॉरल दायित्व है, नैतिक दायित्व है सरकार का देना, उसको कौन फ्रीबी डिसाइड करेगा? और अगर आपने उसको रेवड़ी या फ्रीबी मान लिया तो यह भी बात होती है कि आप इसको लागू कैसे करिएगा। क्या आप कैंडिडेट को डिस्क्वालिफाई करिएगा, क्या आप पार्टी को बैन करिएगा, क्या आप यह देखिएगा कि कौन से वादे किए गए और कौन से वादे पूरे किए गए, क्या आप हर इलेक्शन रैली में जो बड़े बड़े जुमले छोड़े जाते हैं भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से मोदी जी के द्वारा, उन पर कार्यवाही करिएगा। और इसकी एक लंबी फेहरिस्त है, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो हमारा अपना मानना यह है कि जो समस्याएं है ही नहीं उसका समाधान ढूंढा जा रहा है, लेकिन जो ज्वलंत समस्याएं हैं जो लोकतंत्र को कमजोर करती हैं उस पर आयोग चुप है और उसकी समस्याओं के बारे में बात नहीं हो रही। और अब मैं आपको क्रमवार तरीके से बता देती हूं कि रिस्पॉन्सिबल वादे क्या होते हैं और कैसे पूरे किए जाते हैं और इररिस्पॉन्सिबल जुमलेबाजी क्या होती है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मनरेगा की बात करी, हमने अपना वादा पूरा किया और आज मनरेगा संजीवनी बनके ग्रामीण क्षेत्रों में खड़ा है। हमने अपने घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा की बात करी, हमने वो अधिनियम बनाया और ये सच है कि उसी के चलते आज लोगों की थाली में भोजन है। हमने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा के अधिकार की बात करी, सूचना के अधिकार की बात करी और उसको करके दिखाया। ये रिस्पॉन्सिबल वादा किया, लोगों ने हमें, हम पर विश्वास जताया और हमको चुनाव जिताकर अपना विवेक और अपना मत का अधिकार का प्रयोग किया। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़े सारे वादे किए, तो जब रेवड़ियों की बात होगी तो ये सारे वादे आएंगे। हर साल 2 करोड़ नौकरी बनने का वादा था, 15 लाख हर अकाउंट में जाने का वादा था, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी थी, 2022 तक हर किसान की आय दोगुनी होनी थी, 2022 तक पक्के घर होने थे, 24 घंटे बिजली होनी थी, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाया जाना था, वो अलग बात है कि उस पर भी GST लग गया, महंगाई कम होनी थी, लेकिन ये सब बड़े बड़े जुमले निकले। तो ये रेवड़ियां थी,
इन रेवड़ियों का क्या होगा इसके बारे में जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी या चुनाव आयोग देगा, लेकिन यह भी एक ज्वलंत सवाल है अपने आप में। और जैसा कि हमने पहले कहा कि रेवड़ी एक तरफ और अशर्फियां एक तरफ, 10 लाख करोड़ से ज्यादा बट्टे खाते में डाल दिए गए इस देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन, वो क्या था? वो रेवड़ी थी, वो अशर्फी थी, वो खुद ब खुद सोने की थाली थी, वो क्या था? इसके बारे में भी सवाल होगा आज, इसके बारे में भी चर्चा होगी। कॉर्पोरेट टैक्स कट करना क्या था? आप स्टार्टअप को इंसेंटिव देते हैं, आप इंडस्ट्री लगाने पर टैक्स इंसेंटिव देते हैं, फ्री बिजली की बात करते हैं, करनी चाहिए, लेकिन अगर एक तबके के लिए ये इंसेंटिव है तो दूसरे तबके के लिए जो सस्टेनेंस है उसको कैसे नकारा जा सकता है, वो कैसे फ्री भी बन गया? और यह भी सच है कि चुनाव है तो दूध के दाम सारे देश में बढ़ेंगे, गुजरात में नहीं बढ़ेंगे। सीएनजी और पीएनजी के दाम सारे देश में बढ़ेंगे, गुजरात में घटाए जाएंगे। अमित शाह जी गुजरात में जाकर फ्री सिलेंडर का दावा करते हैं, ऐसा दावा तो प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने यूपी में किया था, दिवाली में कितने लोगों को फ्री सिलेंडर होली दिवाली मिला, इसका भी उल्लेख हो जाए। तो असलियत यह है कि चुनाव में लफाजी करना एक बात है, लोगों की सुरक्षा, लोगों की सस्टेनेंस पर बात करना दूसरी बात है। और यह एक मिसप्लेस्ड डिबेट है, इस डिबेट की वेलफेयर स्टेट में और लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। हर पार्टी अपने विवेक अनुसार, हर पार्टी अपनी क्षमता अनुसार, हर पार्टी विचार विमर्श करके ऐसी बातें जनता के सामने रखती है। जो ऐसा नहीं करते हैं जनता उनको नकार देती है, जो ऐसा करते हैं अगर जनता का विश्वास है तो उसको जिता देती है। कुछ चीजें लोकतंत्र में, लोक हित में जनता पर छोड़ देनी चाहिए, उनके विवेक पर, उनके सामंजस्य पर, उनके मताधिकार के लिए छोड़ देनी चाहिए। हर चीज को प्रधानमंत्री की रैली के बाद एक मुद्दा बनाना सर्वथा गलत है। आपके सवालों का स्वागत है। हम आपके साथ जो हमने इलेक्शन कमीशन को अपना ये वक्तव्य दिया है, जो अपना रिस्पांस दिया है, वो जरूर साझा करेंगे, उसको देख लीजिए आप लोग, उसमें हमारी विस्तृत रूप से क्या पोजीशन है इस पूरे मुद्दे पर वो है। और चुनाव आयोग से हमारी दरख्वास्त है, चुनाव आयोग से हमारी रिक्वेस्ट है, चुनाव आयोग से हमारा असर्शन है कि जो मुद्दे ज्वलंत और आपके सामने हैं, जो आपके एकाधिकार में हैं, जो आप ही के कानून क्षेत्र की चीजों का उल्लंघन करते हैं, पहले उनका समाधान करिए, पहले उस पर एक्ट करिए। धन्यवाद। नो, बिल्कुल भी नहीं। हमारा अपना मानना यह है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस पर राजनीतिक दलों से जवाब मांगा, हमने अपने जवाब में साफ तौर से यह निहित किया है कि यह आपके कार्यक्षेत्र में नहीं है, और हमने चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखते हुए कहा है कि ये सारी चीजें लोकतंत्र में जनता पर छोड़ देनी चाहिए। हमने चुनाव आयोग को सिर्फ ये याद दिलाया है कि बहुत सारी ऐसी बातें, चाहे वो सांप्रदायिक बयानबाजी हो, चाहे वो नफरती भाषण हो, चाहे वो चुनाव आयोग की अपनी गाइडलाइंस का उल्लंघन हो, वो लगातार कुछ राजनीतिक दलों ने और खासतौर पर पदों पर बैठे हुए लोग, चाहे वो मोदी जी हो और अमित शाह जी हो, उन्होंने किया है, और इस पर भी एक्शन होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के प्रहरी होने के नाते चुनाव आयोग को इस पर सख्त और कड़ी कार्रवाई करना जरूरी है। मैं आपसे थोड़ी सी गुस्ताखी करके डिसएग्रीमेंट करती हूँ, मैं जोड़ नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि 16 जुलाई 2022 के पहले इस पर किसी संस्था ने कोई चर्चा नहीं करी थी, और एकदम से रेवड़ी इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। ये कैसे संभव है? क्या गरीब की सहायता करना एक वेलफेयर स्टेट में, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उसके अंतर्गत गलत है? आज सवाल ये है।
आज सवाल यह है कि जो सरकार दंभ भरती है फ्री राशन का, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो हमने बनाया दिया जा रहा है, क्या वो गलत है? और अगर वो गलत है तो वो बार बार क्यों बढ़ाई जा रही है उसकी अवधि? क्या चुनाव को ध्यान में रख के बढ़ाई जा रही है या गरीब की सहायता के लिए बढ़ाई जा रही है? आज सवाल यह है, हम बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन हां हम ये जरूर कह रहे हैं कि ये सारा डिबेट, ये सारा मुद्दा, ये सारी बहस प्रधानमंत्री की बुंदेलखंड की रैली के बाद शुरू हुई थी और ये अपने आप में बहुत सारे सवाल जरूर खड़े करता है। जी श्योर, इनफैक्ट आई शुड हैव मेड अ ब्रीफ स्टेटमेंट इन इंग्लिश ऑन दिस। द डिबेट अराउंड फ्रीबीज हैज गैदर्ड अ लॉट ऑफ पेस and it's a very hot topic for discussion, including the election commission that sought responses from all political parties, including the Congress. We have, of course, made a representation before the election commission, a very detailed seven pages response, and we will share that with you shortly. But there are two or three things that we need to highlight here, that we need to assert here. Firstly, in a democracy, what political parties promise and what they deliver and what people think about this should be best left to the judgment of the people of this country who either vote in or vote out political parties out of positions of power. As far as the election commission is concerned, under Article 324 of the Constitution of India, they are supposed to conduct free and fair elections, and which is why we have reminded the commission about its jurisdiction. We have reminded the commission how in its own wisdom it has shown restraint in the past and has not interfered and not encroached upon the political activities of political parties, because they are best rewarded or punished by the electorate. So let us leave some things to the best judgment of the people of this country, of the electorate of this country. Whether it's the Chapter 19A of the Indian Penal Code 1860 or the Representations of People Act 1951, they have helped the commission to determine what is legal and what is illegal. But I think the people of this country need to determine what are the promises that they believe in and what are the promises that they don't. We have also submitted before the commission that there are existing laws that are not enforced. And we have reminded the commission, why fix what ain't broke? This is not an issue that needs to be fixed, because this isn't a problem. What is a problem is the kind of hate speeches, the kind of misuse of armed forces done by both the Prime Minister and the Home Minister, the representations that we have made before the Commission on which both Mr. Modi and Mr. Shah have got clean chits, the misuse of Indian Railways, official agents, violations of the Model Code of Conduct, campaigning by the PM beyond hours of campaign, prohibited hours. I think these are things that the ECI really needs to focus on for its own credibility and for enforcing the faith that people have in the commission as far as free and fair elections are concerned. And of course, we've stepped back and asked that who is going to define what is a freebie in a country which is battling with high prices, high inflation, unemployment, loss of wages? Is help by a welfare state a freebie? We don't think so. And if that is a freebie, what would you call the 10 lakh crores being written off for corporates? What would you call the corporate tax cuts? What would you call the incentives given to businesses to start production or to start units, or the incentives given to startups? If they are incentives, then how can sustenance models be freebies? And of course, we do want to remind the commission and the people of this country at large through this platform that let the people decide. There were promises that the BJP made, whether it was 2 crore jobs, whether it was 15 lakhs in every account, whether it was the doubling of farmers' income by 2022, or a house built for every, or a roof for every head of this country, or 24/7 electricity, or a $5 trillion economy, versus what we did. We promised Manrega in our manifesto. We ensured Manrega was brought in, and the government, despite its reservations and despite its humiliating barbs against Manrega, continues to adhere to it. We talked about right to education, we did it. We talked about right to information, we enforced it. We talked about the right to food, and truth be told, that right to food has kept people alive in this country during the corona crisis and thereafter.
So the questions to be asked is, when the home minister says there'll be free cylinders given in Gujarat, why should we not turn around and ask him? He had made a similar promise in UP. Why has that not been adhered to? Why should we not ask that when milk prices go up for the rest of the country, why are they kept artificially low in Gujarat? Why are CNG and PNG prices going down only in Gujarat and going higher up for the rest of this country? I think these are questions that will be asked and should be asked, because the debate on freebies is misplaced. It is about the wrong priorities of the government. It is a debate that began when the Prime Minister spoke about this for the very first time on the 16th of July 2022 in Bundelkhand. And I think we are absolutely within our rights to ask this question. What prompted this debate? Was it the speech of the Prime Minister in Bundelkhand? And if it was, then does it come in the jurisdiction of the Election Commission to seek responses from political parties? हमारी आपत्ति नहीं है, हमारी जो मत है, हमारा जो स्टैंड है, वो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र को लेकर है और जो पेंडिंग कानून है उनकी एनफोर्सेबिलिटी को लेकर है। चुनाव आयोग के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि किस तरह से नफरती भाषण, सांप्रदायिक बयानबाजी, किस तरह से अनड्यू इन्फ्लुएंस, किस तरह से उनके ही रूल्स का उल्लंघन प्रधानमंत्री मोदी करते हैं लगातार। तो पहले इन चीजों को तो सुलझा लें। और अधिकार क्षेत्र की बात हमने इसलिए करी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें लोगों के विवेक पर, लोगों के मत पर छोड़ देनी चाहिए। अगर लोगों को लगता है कि हम मनरेगा कर सकते थे तो लोगों ने विश्वास जताया और हमने वो करके दिखाया। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक लंबी फेरिस्त दी थी अपने चुनावी भाषणों में, उसमें से कुछ करना तो दूर, अभी अच्छे दिन का इंतजार ही करा रहे हैं। यह अलग बात है कि अच्छे दिन का अब नाम नहीं लेती है भारतीय जनता पार्टी। यह अलग बात है कि 2 करोड़ सालाना रोजगार की बात नहीं करती है। यह अलग बात है कि अब 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की कोई बात नहीं करता, 3 ट्रिलियन डॉलर पे तालियां बजाई जाती हैं। तो मेरा अपना मानना यह है कि अधिकार क्षेत्र और प्रायोरिटीज, रेवड़ी क्या है, यह भी अपने आप में एक डिबेट है। हो सकता है कि किसी गरीब के लिए फ्री राशन मिलना जरूरी है, सहयोग है, ये सरकार का कर्तव्य है। और जो सरकार कॉर्पोरेट टैक्स काटती है वो यहां पर रेवड़ी की बात करेगी? आपको सारी फिस्कल प्रूडेंस, सारा राजकोष तभी याद आता है जब गरीब के लिए कोई बात करी जाती है। आज मिड डे मील क्यों जरूरी है? क्योंकि मिड डे मील कुपोषण का शिकार होते हुए बच्चों के लिए संजीवनी बनती है। अब उसको भी क्या आप रेवड़ी कहने लगिएगा? तो सिंपल हमारी बात यह है कि हमारी आपत्ति या हमारा मत जो है वो कार्य क्षेत्र का है और लोगों के विवेक के साथ उस पर सामंजस्य बिठाने का है। एनी अदर क्वेश्चंस ऑन दिस? हाँ, श्योर। सॉरी, कैन यू कम अगेन? हाँ, ओके। आई हैव मिस्ड पुटर। रूस के राष्ट्रपति ने भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में जो उल्लेख किया है, मुझे गर्व है कि उस फॉरेन पॉलिसी की, उस विदेश नीति की, उस कूटनीति की नींव पंडित नेहरू ने रखी थी और हर प्रधानमंत्री ने उसका निर्वाह किया है। चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे शास्त्री जी हो, चाहे अटल जी हो, हर प्रधानमंत्री ने उसी फॉरेन पॉलिसी का, उसी कूटनीति का, उसी विदेश नीति का निर्वाह किया है जो नॉन अलाइंड थी। हम अपने अधिकार की, अपने हित की बात करते हैं और हम किसी भी ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं होते। ये फॉरेन पॉलिसी जिसका जो उल्लेख किया जा रहा है, जिसकी आज तारीफ करी जा रही है, ये पंडित नेहरू की बनाई हुई थी और हमें इस बात का फक्र है कि आज 2022 में भी लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। यह भी सच है कि रूस से हमारे रिश्ते प्रगाढ़ बनाने का काम स्वयं नेहरू जी ने और उनके बाद इंदिरा जी ने बहुत हद तक किया था। और यह भी सच है कि आज हम रूस से तेल आयात कर रहे हैं,
और फर्टिलाइजर 8 गुना हो गया आयात करना, और इसलिए रूस हमारी तारीफ कर रहा है। मुझे लगता है कि एक नेशन स्टेट के तौर पर हमारी फॉरेन पॉलिसी दलगत राजनीति का हिस्सा ना बने और भारतीय जनता पार्टी इस पर अपनी पीठ ना थपथपाए तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी एक राष्ट्र एक देश की होती है, उस पर इर्रेस्पॉन्सिबल बयानबाजी करना और उस पर सीना ठोकना कहीं ना कहीं आपकी दूरदर्शिता को कम आंकता है। यह फॉरेन पॉलिसी हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, देश आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने इसकी नींव रखी थी और आज भी इसका निर्वाह हो रहा है, यह गर्व की बात है। आई वेलकम द स्टेटमेंट्स मेड बाय द हेड ऑफ रशिया प्रेजिडेंट पुतिन एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज स्टूड अस इन गुड फेथ After all of these years, I feel extremely proud about the fact that the bedrock of this foreign policy was laid down by independent India's first Prime Minister, Pandit Nehru, and Prime Ministers after him, whether it was Shastri ji or Indira ji or Rajiv ji or everybody else, including Atal Bihari Vajpayee ji, everybody else followed the basic tenets of the foreign policy that were laid by Pandit Nehru, which is non-alignment. We did not ally with any of the blocs, even during the Cold War, and it helped us in our independent thinking, in our independent view. It helped us serve our own good before serving anybody else's. And so I'm extremely proud about the fact that in 2022, the same foreign policy is being lauded. I think it will be foolhardy for any political party, including the Bharatiya Janata Party, to make false claims on this. Foreign policy is a function of the Indian state. It is not a function of any political party, and I think that is how it needs to be respected. Thank you. Bahut bahut dhanyavaad aapka. Thank you very much. We can take it off here. Thank you.